देश के अधिकतर राज्यों में जहां गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन राज्यों में असम, कर्नाटक, केरल, मेघालय और मणिपुर शामिल हैं। इन राज्यों में भारी बारिश के कारण जगह जगह जलजमाव हो गया है, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। केरल और कर्नाटक में अरब सागर की ओर से चलने वाली तेज चक्रवाती हवाओं के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। रामपुर के स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट के मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई है। इसमें एक मुकदमे में सपा नेता आजम खान भी आरोपी हैं, लिहाजा वो कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट में वह सुनवाई प्रक्रिया में शामिल होंगे। बता दें कि एक दिन पहले ही सीतापुर की जिला कारागार से आजम खान छूटे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में विधायकों को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग विधानसभा और संसद में हंगामा करते थे, उन्हें जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है और जिन लोगों ने काम किया वो जीते और सदन का हिस्सा बन रहे हैं। सदन का सदस्य होने के नाते हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम जनता का काम करते रहें। ट्विटर में शुरू हुई किच्चा सुदीप और अजय देवगन की बहस अब एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई है। पहले अभिनेताओं के बयान और फिर राजनेताओं की एंट्री की वजह से ये एक देशव्यापी भाषाई बहस का मुद्दा बन गया है। वहीं अब लगभग एक महीने बाद सैंडलवुड स्टार किच्चा सुदीप ने अपनी टिप्पणियों पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी की सराहना की कि सभी भारतीय भाषाएं भारतीयता की यात्रा है। यमुना प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान 30 सितंबर 2024 से पहले भरी जानी है। अगर एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन में देरी हुई तो 10 लाख रुपए प्रतिदिन का जुर्माना कंपनी से वसूला जाएगा। डोमिनिका में अवैध एंट्री करने के मामले में भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल इस संबंध में दर्ज किए जब वापस ले लिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चौकसी ये साबित करने में कामयाब रहा कि उसे एंटीगुआ और बारबुडा से अपहरण करके डोमिनिका लाया गया था। भारतीय ग्रांड मास्टर प्रज्ञानानंद रमेश प्रभु ने 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन पर दूसरी जीत दर्ज की है। चेस बल मास्टर्स के पांचवें दौर में नॉर्वे के कार्लसन ने बड़ी गलती की और इसका फायदा उठाते हुए प्रज्ञानानंद ने उन्हें पटकनी दे दी है। इस जीत के साथ ही ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंद के ने नॉक आउट में पहुंचने की उम्मीदें बनी हुई हैं। 3 महीने में यह दूसरा मौका है जब प्रज्ञानंद ने कार्लसन को मात दी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बिजली उत्पादक कंपनियों और कोल इंडिया के 9,692 करोड़ रुपए के बकाए का तत्काल भुगतान करने को कहा है। तत्काल भुगतान न करने पर प्रदेश की बिजली रोकने की भी चेतावनी दी गई है। केंद्र के इस कदम से वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कॉर्पोरेशन के सामने अतिरिक्त बिजली के इंतजाम के साथ भुगतान की चुनौती खड़ी हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शुक्रवार को एक साक्षात्कार भी दिया जिसमें उन्होंने कांग्रेस की हार की वजह बताई तो साथ में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि आखिर कांग्रेस क्यों हार रही है और भाजपा क्यों हर चुनाव में सफल हो रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एनएसई को लोकेशन घोटाला मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि एजेंसी के अधिकारी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गांधीनगर, नोएडा और गुड़गांव में 10 से अधिक स्थानों पर तलाशी ले रही है। ये सभी ठिकाने मामले से संबंधित दलालों के हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।